दोस्तों दोबारा तिरपाल डालने पड़े, से 9 महीने चल जाएंगे अगर आप अच्छी कंडीशन बोता। दोस्तों आपके भाई की गाड़ी लग गई अनलोड होने। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? सबको सुबह की जय श्री राम और प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और दोस्तों आपका भाई फैक्ट्री के अंदर, मतलब दोस्तों मैं रात को ही पहुंच गया था 1:30 बजे फैक्ट्री में। गुवाहाटी से जस्ट 16 किलोमीटर पे है, मतलब दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र पुल है ना वहाँ से 16 किलोमीटर पे फैक्ट्री है, पेप्सी फैक्ट्री है। और इधर का ही माल है, अभी सैंपल लेंगे, देखते हैं कितनी देर में रहते हैं। अभी तो बारिश हो गया दोस्तों, आज तो बारिश भी बहुत तगड़ी है। यहाँ देखो बारिश, देख लो कितनी तगड़ी है दोस्तों। यहाँ ना बारिश का कोई सीन नहीं रहता, अभी बारिश हो रही है देख लो, अभी धूप निकल जाएगी। यहाँ कोई भरोसा नहीं है, पर यहाँ भी जब भी माल लेके आओ ना दोस्तों पूरा सेफ लेके आओ, क्योंकि यहाँ की बारिश जब पड़ती है ना तो पूरी बेकार पड़ती है, मतलब तगड़ी वाली। और देखते हैं कितनी देर में खाली करता है। हमने दोस्तों पूरी रात गाड़ी चलाई, मतलब कल रात को, मतलब जाम में ज़्यादा खड़े रहे आपका भाई। कल रात को जाम बहुत था, जाम में खड़े रहे, फिर फैक्ट्री में ले आया दोस्तों 1:30 बजे गाड़ी, कागज़ वागज जमा कराए, फिर इन्होंने पार्किंग में भेज दिया, फिर सुबह सुबह कॉल किया मेरे को और अब यहाँ लेके आ गया मैं। ये देखो पेप्सी फैक्ट्री, और बारिश देख लो कितनी तगड़ी हो रही है। ये देखो बारिश, बारिश देखो दोस्तों। और दोस्तों टोटल देख लो कितने किलोमीटर गाड़ी चलती है, पता है ये कितने किलोमीटर है? जहाँ रिलायंस में हमने 200 डीजल लिया था ना, देखो वहाँ से 1062 किलोमीटर गाड़ी चलती है, मतलब जहाँ हमने रिलायंस पे डीजल लिया था, मतलब उत्तर प्रदेश में वहाँ से, तो फाजिल नगर से दोस्तों, फाजिल नगर से 1062 किलोमीटर गाड़ी चलती है। ठीक है दोस्तों, कब होती है खाली तब मिलता हूँ, मतलब अभी थोड़ा ये सेटिंग वेटिंग कर लूँ। ये देखो कितनी फाइलें फूलें कागज़ कुगज जमा करते हैं ना दोस्तों, तो ये पूरा भीड़ हो जाती है गाड़ी के अंदर, करता हूँ मैंने ठीक, उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे। ठीक है पंडित जी, गुड मॉर्निंग बोल दो पंडित जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आपके भाई ने गाड़ी लगा दी है, देखो। और वो देखो उससे पहले भी हमारा ही नंबर है दोस्तों, वो जो गाड़ी खड़ी है उससे ही पहले हमारा नंबर है ना, हमारा फर्स्ट नंबर है। देखते दोस्तों पहले किसी खाली होती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर दोनों की साथ में खाली हो जाए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, खाली होने के टाइम में मिलेंगे। और देखो बारिश कितनी तगड़ी हुई थी दोस्तों, अब तो खैर बंद होगी, और पूरी गाड़ी सेट कर दी दोस्तों। ठीक है मिलता हूँ दोस्तों। और ये देखो वो वाली सेल टैक्स वाली टॉर्च अभी तक रख रखी है मैंने संभाल के। पंडित जी दोस्तों हमारे लिए चाय लाए हैं, तो नहीं पिएगा जाए, 2 किलो है फिर। अरे पी के यार, और बोतल में लाए हैं दोस्तों चाय, और साथ में है खोरमा, इसे बोलते हैं दोस्तों खोरमा, और ये बनाते हैं पैग, पटियाला पैग। पंडित जी पी ले यार, और ये बना दिए 2 पैग, और हुड़ लगाएंगे दोस्तों पैग, और अरे मज़ा आ गया। ये लाइफ, जिंदगी दोस्तों मज़ा नहीं आ रहा। देखो चाय कम हो जाती है, चाय ज़्यादा कर सकता हूँ मैं, देखो चाय होगी ज़्यादा। ठीक है दोस्तों चाय पी के मिलता हूँ। और ये लगा दी दोस्तों आपके भाई ने गाड़ी, यहाँ दोस्तों अभी तो सैंपल हुआ है दोस्तों उस गाड़ी का, मतलब एक ही माल है ना दोनों गाड़ी का, एक ही माल है दोस्तों दोनों गाड़ी का, तो एक ही सैंपल से दोनों गाड़ी पास हो जाएंगी। अभी देखो दोस्तों कितनी गंदे हो रही गाड़ी, देखो पहले संभालता हूँ ये सारा सामान सेट करके, तब देखते हैं दोस्तों। अभी तक हमारी गाड़ी खाली नहीं हुई, अभी हम जा रहे हैं बाहर नाश्ता पानी करके आते हैं, जैसे कि दोपहर हो गई है। और ये देखो पेप्सी की फैक्ट्री है दोस्तों, ये गाड़ी पर से भी लोडिंग पूरा मज़ा आ रहा है। ये देखो भाई फैक्ट्री, पेप्सी फैक्ट्री के अंदर है दोस्तों हम, और अभी जा रहे हैं दोस्तों, खाना खुना खा के आए थे, अभी जस्ट कंपनी का फ़ोन आया दोस्तों कि आ जाओ गाड़ी पे, देखते हैं गाड़ी शायद खाली होगी। अब हमारी है पंडित जी गाड़ी खाली होगी, जैसे जैसे अपने इंग्लिश में बात करते हैं हम दोस्तों, जैसे हमारी गाड़ी खाली होने का पता लगा है। और ये देखो दोस्तों ये भर रहा है कांच,
और ये जाएगा उत्तराखंड। ओ लो, फिरोजाबाद जाएगा ये दोस्तों, फिरोजाबाद जाएगी गाड़ी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर दोस्तों, अनलोडिंग करवाते हैं पहले गाड़ी में। दोस्तों गाड़ी लेके लगाते हैं पार्किंग, अनलोडिंग होगी दोस्तों हमारी गाड़ी। और दोस्तों आपको भाई जा रहा है गाड़ी पॉइंट पे लेके अनलोडिंग के लिए। ट्रॉली पीछे ठीक है दोस्तों, लोडिंग पॉइंट में मिलते हैं हम आपको। अभी खाना खा के आए थे जस्ट कैंटीन से, उतने में कॉल आ गया, कह रहे कि गाड़ी लगाओ पहले। खाना खाते उठते आ गए हम दोस्तों। पहले दोस्तों रस्सा त्रिपाल खोलते हैं अब गाड़ी की, रस्सा त्रिपाल खोल लेंगे अब गाड़ी की, क्योंकि भाई खाली खाली होगी। और ये लगा दिया दोस्तों पॉइंट पे, लोडिंग पॉइंट में, और यहाँ होगी हमारी गाड़ी खाली। देख लो दोस्तों पानी कितना भर गया गाड़ी में। रस्सा त्रिपाल खोल दिया है देखो फैक्ट्री, अभी पूरी त्रिपाल तय करता हूँ। रस्सा तो दोस्तों इसमें डाल दिया पैक करके। चलो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ रस्सा त्रिपाल तय करके। अभी पंडित जी देखो क्या कर रहे हैं, त्रिपाल नीचे फेंक रहे हैं, मतलब त्रिपाल नीचे गिरेंगे सारी की सारी, फिर तय करेंगे। गर्मी बहुत हो रही है यार दोस्तों, अभी बारिश हो जाएगी। देखो यहाँ मौसम कैसा है, यहाँ की बारिश, आसाम में बारिश का कोई भरोसा नहीं है कब पड़ जाए। दोस्तों त्रिपाल पूरी तय कर दिया, गाड़ी के रस्से भी एकदम ओके कर दिए, और एक त्रिपाल छोड़ दिया। देखो दोस्तों बारिश का मौसम हो गया दोबारा। अभी दोस्तों हेलीकॉप्टर के राउंड लग रहे थे ऊपर से, और दोस्तों पानी पता है कितना निकला ट्राली में, तो पानी बहुत सारा निकला। और दोस्तों मैं ये उस दिन दिखाया था आपको कि ये क्या चीज है दोस्तों, ये इसे बंद कर देते हैं दोस्तों, मतलब इसे ना दोस्तों मैं बंद कर देता हूँ। जब खाली गाड़ी चलाता हूँ ना मैं इसे इतना रखता हूँ, क्योंकि ये जो पीछे के टायर है ना, ये फिर कम घिसते हैं गाड़ी, मतलब ब्रेक में मारते कम घिसते सीन रहता है। अगर इसे पूरा खोल दूंगा, जब पूरा खोल के चलाऊंगा तो ये सारे टायर खराब, मतलब ये ज्यादा टायर खाएंगे फिर। ये टायर की सेविंग के लिए लगा रखा है दोस्तों, ये इसे हल्का करेंगे तो ब्रेक मतलब बहुत ज्यादा लगते हैं, मतलब गाड़ी के अगर पूरा खोल के चलाते हैं तो, इसलिए ये लगा दिया दोस्तों। अभी ओपन रहने देते हैं पूरा ब्रेक, बाद में बंद कर देंगे। वैसे खाली हो जाएगी अब तो, खाली होने के बाद इतना कर देते हैं, अभी इतनी रहेगी। खाली होने के बाद देखते हैं दोस्तों क्या होगा, अभी तो खाली नहीं हुई यार, लेबर मतलब भाग गई, लेबर चली गई, पता नहीं कितनी देर में आएंगी। और पंडित क्या हाल है, अभी देखते हैं दोस्तों कितना टाइम लगेगा गाड़ी खाली होने में, 2-3 घंटे तो लगेंगे। पता लगा बारिश आ गई, सारा माल भीग जाएगा, फिर रस्सा त्रिपाल करो, यही होता है दोस्तों, मतलब फैक्ट्री में जाके रस्सा त्रिपाल करो बार बार 10-10 बार, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो अपना अंदर ऑफिस में एसी रूम में बैठे हैं मजे में, देखते हैं कहाँ का माल लोड करते हैं दोस्तों, अभी तो खाली नहीं हुई, देखते हैं। दोस्तों दोबारा त्रिपाल डालनी पड़ी है, बारिश हो गई है, और ये तो खाली नहीं कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक है दोस्तों, सारे मनमर्जी से करते हैं दोस्तों, खाली भरना सब सिस्टम, मतलब पहले बोला त्रिपाल खोल दो, अब फिर दोबारा त्रिपाल डाल ली। इनको लगता है हमारी कोई मेहनत नहीं है इस काम में, अब इनको क्या बताएं कितनी मेहनत लगती है इन काम में। ठीक है दोस्तों मिलता हूँ। और दोस्तों सब बोल रहे कि भाई ये गाड़ी के टायर कितने महीने चल जाते हैं, दोस्तों ये घोड़े के टायर चलते हैं 8-9 महीने चल जाएंगे, अगर आप अच्छी कंडीशन में उतारना चाहते हो तो, और वो एक साल चारों जोड़े चलेंगे एक साल पूरे, और ये 8-9 महीने पर अच्छी कंडीशन में उतार दोगे, मतलब अच्छी कंडीशन में। और दोस्तों ये भी 9-10 महीने चल जाते हैं टायर, 11 महीने, एक साल तो लगभग चल जाते हैं भी टायर, पर हम 9 महीने में उतार देते हैं, और ये 8 महीने में उतार देते हैं, और वो जो दोनों हैं वो ये एक साल में उतार देंगे। अरे देखो दोस्तों कौन कौन खड़ा है यहाँ, बस त्रिपाल तो डाल दी, चलो आपका जब मर्जी तब खाली करें, हमें क्या लेने देना। ठीक है दोस्तों गाड़ी के अंदर चलते हैं, और ये अपनी गाड़ी है दोस्तों, साफ सूफ करके एकदम ओके करके रखी है। और दोस्तों 4 बज गए हैं, अभी तक गाड़ी खाली नहीं हुई है दोस्तों, देखो त्रिपाल भी 2-2 बार डालनी पड़ती है, बारिश भी हुई थी देखो दोस्तों दोबारा खूब। यहाँ का दोस्तों मतलब आसाम का ना कोई सिस्टम नहीं है, अचानक ही धूप निकलती है, अचानक ही बारिश होती है। जब दोस्तों कोयला चलता था ना यहाँ, तो भाई हमने इतने ये देखो गोड्डे जितने ना, जितना गोड्डे इतने पैरों में, मतलब पानी पूरा काला कोयले का पानी में चलते थे। वहाँ हमारी एक पार्किंग थी, जय हिंद नाम से पार्किंग थी, पीके पार्किंग, तो बहुत बड़ी पार्किंग थी दोस्तों, लाल माटी में, लाल माटी बेलतल्ला में, मतलब ऐसे ऐसे सीन रहते थे। तब से कोयला बंद हुआ है ना दोस्तों, जब से कोयला बंद हुआ है तब से ना दोस्तों हमारे रूट बहुत, मतलब रूट के लफड़े हो गए हैं। मतलब पहले क्या सीन था, क्या मस्त सीन था, मतलब दोस्तों पहले हमारा सीन था देखो, सीधा मुजफ्फरनगर से माल भरा, सीधा गुवाहाटी खाली करी, गुवाहाटी से कोयला भरा, सीधा हरियाणा का, हरियाणा उत्तराखंड का, देहरादून का कभी कभी माल मिलता था दोस्तों, अभी भी उत्तराखंड का माल नहीं मिलता इतना इन गाड़ियों का, हमारी वाली गाड़ियों को। यही है सीन थोड़ा, अब तो थोड़ा अटपटा हो गया काम, पहले बहुत कम मेहनत थी, पैसे भी ठीक ठाक थे, अब ज़्यादा मेहनत हो गई है, पैसे बहुत कम हो गए। और मिलता हूँ दोस्तों थोड़ी देर में खाली होने के टाइम पे, मिलता हूँ दोस्तों। आपके भाई की गाड़ी लग गई अनलोड होने, और ये देखो अब कर देंगे अनलोड, 1 घंटे में 1.5 घंटा लगेगा कम से कम। देख लो भाई कैसे होती है अनलोड गाड़ी।
फिर से बारिश होने लग गई थी, फिर रुक गया था ट्रक लोड अनलोडिंग के लिए, फिर रोक लिया ट्रक, अब दोबारा लगा दिया ट्रक लोडिंग के लिए। देखते हैं कितना टाइम में अनलोड करते हैं। आज तो दोस्तों बहुत सारी गाड़ी आई थी, तो पहला नंबर मेरा ही था, तो 4 बजे गाड़ी लगी है, जो जिससे कि हमारी गाड़ी अनलोड होने के लिए 4 बजे लगी है, तो मतलब हमारी गाड़ी खाली हो जाएगी और बाकी नहीं हो पाएगी। बाकी देखते हैं कब होती है, कल को हो जाएंगी शायद। ये देखो दोस्तों वो सामने जो ट्रक खड़ा है ना, देखो वो उसमें गैस भरी हुई है, बाकी पता नहीं गैस का क्या होता है। और ये पेप्सी फैक्ट्री केमिकल लाए थे दोस्तों। ये दोस्तों मिलते हैं जब अनलोड पूरी हो जाएगी गाड़ी। दोस्तों दो ढांग रह गई है, एक और दो और तीन ढांग रह गई है। शाम हो चुकी है और हमारी गाड़ी भी खाली हो चुकी है देखो, और पंडित जी कर रहे हैं तिरपालता है। दोस्तों मैंने भी करवाई है, ऐसी कोई बात नहीं, अकेले कर रहे हैं, पर दोस्तों बहुत ही मेहनत के बाद हुई है। और दोस्तों पैसे पता कितने लिए, डाला लिया इन्होंने 1700 रुपये, 2 रुपये कट्टा, 840 कट्टे थे हमारी गाड़ी में, 2 रुपये कट्टे के हिसाब से लिए हैं 1700 रुपये। अभी दोस्तों मैं ये तिरपाल को अंदर डालता हूँ और उसके बाद टूल बांधता हूँ, ठीक है। टूल बांधने के बाद मिलता हूँ दोस्तों मैं और सबको शाम की जय श्री राम और प्यारी सी गुड इवनिंग। दोस्तों टूल भी बांध दिया है, देखो टूल और फट्टे भी डाल दिए हैं, और देखते हैं अब ये तिरपाल डालनी है, बहुत भारी हो रही है दोस्तों। इसे डाल के दोस्तों फिर गाड़ी लेके चले हैं, कांटा करवाएंगे। दोस्तों आपके भाई की गाड़ी हो गई एकदम ओके, अनलोड वनलोड सारा तिरपाल विरपाल सब ओके करके अब बैठे हैं स्टेयरिंग पे। अब जाते हैं दोस्तों कांटा कराते हैं और फिर मिलता हूँ मैं आपको। अभी फैक्ट्री गेट पे खड़े हैं और लग गया जाम बहुत तगड़ा, ये देखो। तो आपके भाई की गाड़ी अनलोड हो गई है और कागज वागज भी हमने ले लिया, मतलब रिसीविंग में भी ले लिया हमने दोस्तों, और पूरा काम कर लिया है, रस्सा तिरपाल सब एकदम ओके करके निकल गए हैं दोस्तों बिहार के लिए, खाली गाड़ी लेके गुलाब बाग जाएंगे दोस्तों। गुलाब बाग में अपनी ट्रांसपोर्ट है, वहीं से माल लोड करेंगे दोस्तों। माल तो हम यहाँ से भी लोड कर सकते हैं, पर दोस्तों क्या फायदा है उस माल का, 40-50 हज़ार का भाड़ा है, 40,000 रुपये का भाड़ा है, और 700-800 गाड़ी की 800 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी आपको, उसमें आपको सिर्फ डीजल बचेगा। पर दिन भी टूटते हैं दोस्तों, इनमें दिन तोड़ के कोई फायदा नहीं है, गाड़ी भी टूटती है दोस्तों उस माल में, गाड़ी भी तोड़ के कोई फायदा नहीं है। तो हम सीधा निकल रहे हैं दोस्तों गुलाब बाग, और गुलाब बाग से कल लोड करेंगे। मैं बता दूंगा दोस्तों आपको कहाँ का माल है, क्या माल लोड होएगा हमारा, तो मैं आपको कल बता दूंगा, कल या परसों, कल वाले ब्लॉग में तो नहीं बता पाऊंगा, कल तो पहुंचने में लगेगा, तो परसों को बता दूंगा दोस्तों कहाँ क्या माल है क्या नहीं है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सबको जय श्री राम और प्यारी सी गुड नाइट, मतलब बहुत रात हो गई है दोस्तों, रात के सीन नहीं ले पाएंगे, तो रात रात में दोस्तों हम श्री रामपुर आराम से पहुंच जाएंगे भगवान की द्वारा ही। तो और अब जा रहे हैं हम दोस्तों जोगी गुफा वाली रोड को दोस्तों, ये सीधा वही, मतलब आपको मैंने दिखाया था ना, मैंने आपको दिखाया था कि दो टर्न जा रहे हैं दोनों रास्ते गुवाहाटी जा रहे हैं, अब ये वाले रोड को ही जा रहे हैं दोस्तों जोगी गुफा वाले को। इस पे टोल नहीं है दोस्तों, इस रोड पे टोल नहीं है, बस रोड सिंगल है, ये है। ठीक है दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। सबको जय श्री राम और कैरी से गुड।